जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना, जो यहाँ पर गुरु जी ने आज उस्तत करने के लिए यहाँ बुलाया है। गुरु जी एक ही बात मन में डाल रहे थे आज कि जब हम गुरु जी से संगत जी जुड़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, इतने कष्ट होते हैं, तब जाके ये दरवाजा खुलता है गुरु जी का और ये खुद हमें लेने के लिए आते हैं, खुद वो आते हैं, नॉक करते हैं और हमें खींच के अपने पास लेके जाते हैं। तो मैं गुरु जी को अभी बैठे बैठे यही कह रही थी, गुरु जी आपकी पता नहीं क्या लीला है, पहले तो घर में सत्संग शेयर कराते थे, फिर धीरे धीरे संगत में कराना शुरू किया। कहते हैं जब गुरु जी थोड़े खुश होते चल जाते हैं ना, थोड़ी उनकी खुशी बढ़ती है, थोड़े से खुश होते हैं घर में कहते हैं सत्संग करो, थोड़े ज्यादा खुश होते हैं तो कहते हैं चलो बाहर संगत में जाके सत्संग करो, थोड़े और ज्यादा खुश होते हैं तो कहते हैं चलो अब सत्संग की सेवा भी करो। आज ज्यादा ही खुश हो गए कि सात समुंदर पार यहाँ बुला लिया तो ज्यादा खुश है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इनकी मर्जी है, ये डेट, ये समय, ये पल, ये घड़ियां इन्होंने सब डिसाइड की होती हैं, कहाँ कौन इनकी उस्तत कहाँ कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है। मैं अपनी आपको जर्नी शेयर करती हूँ। बहुत बार गुरुजी ने करवाई है, पहले भी यहाँ कराई, न्यूयॉर्क में कराई, मंदिर में कराई, और शुक्राना गुरुजी का कि दो बार पहले आई तो सोमरसेट में आ नहीं पाई थी, इस बार एक अंदर से एक लिव लगी हुई थी कि इस बार इस मंदिर में जरूर जाना है, हम कोई नहीं होते जाने वाले, ये बुलाते हैं तभी हम आ पाते हैं, हमारी क्या हिम्मत है कि हम घर से निकल भी पाए, तो यहाँ बुलाया शुक्राना आरती आंटी का, सीमा आंटी का। गुरुजी कहते हैं वैसे तो उनका शुक्राना करो, पर एक जरिया जो बनता है उसका भी जरूर करना चाहिए, वो गुरुजी उनको ब्लेसिंग साथ साथ दे रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि लाइफ में इतनी परेशानियां, बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा समय भी देखा, बचपन से बहुत मतलब गुरुजी ने आध्यात्मिकता से इतना जोड़ रखा था कि 7 ईयर की एज से ही मैं गुरुद्वारे में सेवा करती थी, पर कभी भी मैं किसी गुरु को नहीं मान सकती थी, मैं मानती ही नहीं थी। गुरुजी आज सब कुछ दिखाते हैं कि उन दिनों, देखिए 22 जुलाई का ही दिन था जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली थी इसी मंथ में, और आज 1/16 है ना, यहाँ पर 6+1=7, मेरे लिए बहुत लकी डे है, 7 नंबर। तो इतनी परेशानियां एक टाइम पे आ गई, बहुत सुख देखे, बहुत कुछ देखा, बहुत भक्ति करी, लेकिन भक्ति का अर्थ कभी नहीं पता था कि भक्ति होती क्या है। हम पढ़ते चले जाते हैं, पोथियां पढ़ते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, गुटके पकड़ के इधर उधर घूमते रहते हैं, ये पाठ नहीं होगा तो ये वहम हो जाएगा, हर चीज से इन्होंने निकाला। एक टाइम ऐसा आया कि मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा बीमारियां थी कि जो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूं, ये तो चलो थोड़ी सी देर की बात है, पर गुरुजी इंडिया में डेली सेवा में मुझे भेजते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे भेज देते हैं, कभी अमृतसर, कभी लुधियाना, कभी कहाँ, 10-10 घंटे की ड्राइव कराते हैं और नोएडा भेजते हैं पश्चिम बिहार से, तो भी 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 5 घंटे सेवा। अब जो आज गुरुजी ने मुझे बनाया है, वो एक टाइम था कि मेरी पूरी बॉडी में इतनी ज्यादा पेन होती थी, मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन इतना था, सर्वाइकल रहता था, खड़ी नहीं हो सकती थी, डॉक्टर ने बिल्कुल झुकने को मना किया था, जमीन पे बैठने को मना किया था, एक दिन छोड़ के मुझे 2 इंजेक्शन लगते थे, डेली लग जाते थे कई बारी, और मैं इतनी टैबलेट खाती थी। मैं जब गुरुजी के पास गई तो मैंने गुरुजी को सोचा बहुत कुछ था, आज ये बोलूंगी, आज ये बोलूंगी, आज मेरा ये कर दो, आज मेरा वो काम कर दो, पर गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको सब पता होता है कब मैंने क्या ठीक करना है। हमारे जीवन में जब गुरुजी आ जाते हैं संगत जी, हम जितनी मर्जी उनसे ख्वाहिशें कर लें, पर वो सबसे पहले हमें हेल्थ बख्शते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इसकी जर्नी कहां तक जानी है, इसने मेरी कितनी सेवा करनी है, इसने कितना संगत को जोड़ना है, इससे मैंने क्या क्या काम कराने हैं, इसलिए मेरे को इसको पहले हेल्थ ठीक करनी पड़ेगी। उन दिनों जब मैं गई थी तो मुझे पैसे की भी प्रॉब्लम थी, मेरा काम भी था, बहुत लंबी जर्नी है, टाइम इतना नहीं होता कि मैं पूरा डिटेल में आपको शेयर करूं, बड़ी परेशानी थी, काम इतना ज्यादा सर्वाइव हो रहा था, बिजनेस करती थी मैं, क्या नहीं था, मतलब एक गुरु जी ने पहले क्या कराया, कविताएं लिखती थी, शायरी करती थी, बुक लॉन्च हुई,
जब गुरुजी से जुड़ी सिर्फ गुरुजी के लिए उस्तत करने लगी, गुरुजी के उस्तत करी तो दुनिया इतना पसंद करने लगी कि आप तो गुरुजी के बारे में ही बोला करो, सब कुछ साइड बाय साइड होता चला गया। इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट, वुमेन सीरा, ग्रह शोभा, सारे मेकअप करने और बुटीक और मेरा नेल स्टूडियो और आयुर्वेदा, क्या नहीं मैंने किया दुनिया में, हर काम किया। पर जब इनसे मांगी सेवा, क्योंकि मुझे जब समझ में आया कि गुरुजी सत्संग तो हम करते आ रहे हैं, सिमरन भी हम कर रहे हैं, पर अभी तक हम उस सेवा से नहीं जुड़े जो एक्चुअल में गुरुजी हमसे चाहते हैं। सत्संग सुनाना भी एक सेवा है, सुनना भी एक सेवा है, और संगत की सेवा करना जो उन्होंने हमें सिखाया। और जब बड़े मंदिर उन्होंने बुलाना शुरू किया कि यहां आओ और ये लंगर प्रसाद की महिमा, क्योंकि उससे पहले मैंने बताया ना उलझे हुए थे, बहुत भटक रहे थे। मैं इतनी ज्यादा उस टाइम पे डिप्रेस थी कि मैं किसी भी मॉल में या कहीं जाती थी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, तो मुझे लगता था मैं सुसाइड कर लूं, यहां से मैं कूद जाऊं, इतने मुझे सुसाइड अंदर से मेरे को थॉट्स आते थे। बे इंतहा मुझे डिप्रेशन था, पूरी नेगेटिविटी से मैं भरी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आता था कि करें तो करें क्या। गुरुजी ने सबसे पहले हमारा भांडा साफ किया, हमें अपनी गुरबानी से मैं जुड़ी हुई थी लेकिन गुरबानी के अर्थ ही नहीं समझ में आते थे कि करना क्या है। पढ़ रहे हैं, सुखमणि साहब का पाठ भी कर रहे हैं, जपजी साहब भी पढ़ रहे हैं, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पढ़ते चले जा रहे थे। बस गुरुजी ने अपना छोटा सा एक मंत्र जाप दे दिया और उसके सहारे, कहते दाता दे सहारे मैं कितों कितने आ गया, गुरुजी दा जाप मेरा हौसला बढ़ा गया। ये जाप जहां जहां मैं जाऊं, अब गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया कि मुझे 3 दिन बार मंदिर में बुलाने लगे, जो कि मैं झूठ बोल बोल के घर से जाती रही कि मुझे मंदिर जाने के लिए कौन जाने देता था गुरुओं के पास, कि कैसे कैसे आजकल गुरु हैं। तो जाने लगी और गुरुजी के पास, गुरुजी ने मुझे जमीन पे बिठाना शुरू किया, मैं बैठ ही नहीं पाती थी जमीन पे, इधर उधर टेक लगाती रहती थी। फिर गुरुजी ने मुझे वहां पे आधा आधा घंटा मुझे बिठाया अपने पास में, एक एक दो दो घंटे शिवजी की मूर्ति के पास मुझे बिठाया। समझ नहीं आता था कर क्या रहे हैं, दर्दें बढ़ती चली गई बॉडी में। फिर धीरे 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 मेरी गोलियां कम होती चली गई और मैंने डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर दिया, मेरे इंजेक्शन छूटते चले गए, वो लंगर प्रसाद खाती और सिमरन में बैठ जाती और मंत्र जाप को मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया अपनी। कहते हैं हमारी लाइफ में ना, हम कोई भी चीज को अगर हम लेना चाहते हैं ना, तो हमें उस सिर्फ अपने सिमरन, कहते हैं 24 घंटे हमारे अंदर चलना चाहिए, वो अंदर अंदर सारे काम भी दुनियावी करते रहो पर सिमरन करते रहो। फिर गुरुजी ने कहा अब संगत को भी जोड़ना है, संगत को जोड़ कैसे जोड़ना है, संगत को जोड़ना शुरू किया। मैं बहुत लोगों के सत्संग सुनती थी, तो एक मैंने आंटी का सत्संग सुना जीके में जो रहते थे, वो बोलते थे कि मुझे ना गुरुजी लाजपत नगर भेज देते होते थे, जा दुकानों पे जाके ना शॉपकीपर जाओ सत्संग सुना के आया करो। तो आंटी बड़े बड़े घर की थी, वो मुझे नाम याद नहीं है, वो कहती है ये मेरे से क्या सेवा कराते हैं गुरुजी, मेरे को यहाँ पे भेज देते हैं, मैं ऐसे जाके कैसे बोलूं शॉपकीपर को। फिर मैंने देखा अरे गुरुजी तो ये सारे काम मुझसे करवाते हैं, मैं भी यही सब काम करती हूँ, जिसका सत्संग सुनो मुझे लगे ये तो सब मेरे से करवा रहे हैं, मुझे भी शॉप पे भेज देते। कोई शॉपिंग नहीं मैं करती थी, जाके छोटे छोटे स्वरूप रखे होते थे मेरे फोन में, 24 घंटे मंत्र जाप चलता ही रहता है हमेशा। तो उन्होंने कहना आंटी आपके फोन में क्या चल रहा है, चाहे वो कैब वाला हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे ऑटो वाला हो, ये क्या चल रहा है, ये मंत्र जाप चल रहा है। अब भाई तू आ गया मेरे पिटारे में, अब तो तेरे के अंदर गुरुजी को डाल के ही भेजूंगी, अब तेरी खैर नहीं है। अब वो जब तक मैं कैब में बैठी हूं तब तक उसको मंत्र जाप, गुरुजी का, बड़े मंदिर, गुरुजी की महिमा, सत्संग सुनाना शुरू। सुनना चाहो या ना सुनना चाहो मेरी मर्जी है, मैं तो सुनाऊंगी भैया, कुछ तो तुम्हारे काम आएगा। और वो जुड़ते चले गए। आज मेरे फोन में शायद 8,000 नंबर है, जिसमें आधे तो ऐसे लोगों के हैं जो कैब वाले और ऑटो वाले और सब्जी वाले हैं। तो वो जब मैं देखती ना कि इनको मंत्र जाप के बारे में बताया था, मैं उस मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ ज्वालाहेड़ी मार्केट है, वहां एक दिन मैंने बताया, तो अब जब मैं जाती हूँ मैं देखती हूँ शॉप में मंत्र जाप चल रहा होता है। कमाल है गुरु जी, क्या क्या सेवा ले रहे हो। जैसे अभी आंटी ने बोला, आरती आंटी ने बोला कि वो अंकल के बारे में कि गुरु जी उनको बोला कि इम्पोर्टेड संगत को जोड़ो। मैं किसी के सबके सत्संग बड़े ध्यान से सुनती हूँ और मैं सच में शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। उस दिन आई थी गुरु पूर्णिमा पे, कल आरती आंटी के यहां भी जाने का मौका मिला, गुरुजी ने बुलाया। हर बारी एक नई चीज सीखते हैं हम, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सत्संग करने का तरीका नया सीखा है मैंने,
हम रोज जाते हैं सेवा में, वही भेड़ चाल चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मैंने देखा किस तरीके से गुरुजी को क्या प्यार, तो हम भी करते हैं लेकिन और संगत का प्यार जो यहाँ दिख रहा है वो सीखने को मिला। तो जैसे आंटी ने बताया कि अंकल को बोला कि तुम संगत जोड़ो, अब गुरुजी एक सेवा लेते मुझसे तो अपने आप ड्रीम में आके, या जैसे कहते हैं टेलीपैथी जिसको आप कहते हो, टेलीपैथी होती है, सच में होती है। जब आप सुबह उठते ही अगर आप जाप करते हुए सो गए हो तो जैसे आप उठोगे ना आपको जो फर्स्ट थॉट आएगा ना वो आपकी टेलीपैथी है, गुरुजी आपको बताते हैं आपको आज क्या करना है। अब गुरुजी ने माइंड में डाला जा डिसेबल बच्चों के यहाँ सत्संग कर जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते। अब लोग कहें पागल है बुलबुल आंटी, वो बहरे हैं कहाँ सुनेंगे, ना बोल सकते हैं, उनके यहाँ सत्संग करने चल दिया, अपना सामान उठाया चलो जी गुरुजी का स्वरूप लिया, चोला लिया, बर्तन लिए, संगत को लिया, चले गए। वहां जाके उन्होंने इतना ब्लेस किया उन संगतों को, क्या उनकी लीला थी, जिनके हाथ नहीं थे, जिनके पांव नहीं थे, उनकी शादियां होनी शुरू हो गई। फिर वहां से एक कोई आए हुए थे कुष्ठ आश्रम के लोग, अब गुरुजी कहते हैं आज कुष्ठ आश्रम में अब जाके सत्संग करो। ये सच में ये सेवा वही लेते हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। ये जर्नी बढ़ती चली गई, कुष्ठ आश्रम के 800 कुष्ठ रोगियों को उन्होंने ब्लेस किया, जिनका हाथ से लोग पानी भी नहीं पीते हैं हमने उनके हाथों से ही उनको भोग लगवाया, गुरुजी को जोत जगाई, उनके साथ डांस भी किया, लंगर भी, उनको महिमा बताई गुरुजी की, वो सब जुड़ गए। तो ये सेवा चलती रही चलती रही। फिर समझ में आया, एक बारी हेडेक हुआ तो डॉक्टर के पास गई, अपने फैमिली डॉक्टर के पास, तो कहने लगे भाभी अब तो अब नजर ही नहीं आते हो। अब मैंने कहा अरे वाकई मैं तो एक साल के बाद आई हूं, समझ में नहीं आया कब दवाइयां छूटती चली गई, कब वो इंजेक्शन सारे के सारे छूट गए, और जो कभी खड़ी नहीं हो सकती थी, जिसको झुकना भी मना था, और उससे गुरुजी सेवा लेने लगे, खड़े भी रहो घूमते भी रहो जाओ भी। अब मुझे एक दिन कोई कहता है कि आप क्या काम करते हो भी, अब आप कोई बिजनेस करते हो, तो मैंने कहा दो तीन बार मैंने बोला नहीं नहीं अब तो मैं कुछ नहीं करती, गुरुजी से सेवा मांगी उन्होंने सेवा में लगा दी। एक दिन मैं घर आ रही थी तो मेरी लिफ्ट खराब थी घर की, तो होता है ना इतना बड़ा स्टीरियो बैग लेके अपना सीढ़ियां चढ़ रही थी धीरे धीरे, मैंने कहा गुरुजी के रूम में आई मत्था टेका, मैं गुरुजी ऐसे लोग कहते हैं कुछ नहीं करती, मैं आपकी फ्रेंचाइजी चला रही हूँ जगह जगह पे जॉब भी हूँ, मैं तो रोज जाती हूँ सुबह देख लो शाम को आती हूँ। फिर गुरुजी ने थॉट डाला तुम वेले नहीं हो, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों को जोड़ रहे हो, और आज इतनी दुनिया ये गुरुजी जो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मेरे को लगता है 99% लोग जो हैं वो गुरुजी से जुड़ी चुके हैं। एक भाव हमेशा मन में आता था जब भी श्री गुरु नानक देव जी को पापा कहती हूँ अपने, और इनको बना लिया था भाई, वो सत्संग पूरा नहीं शेयर करूंगी क्योंकि आज टाइम लिमिट है, जरूरी है वो करना क्योंकि इसी महीने में जुड़ी थी। जब मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम जुड़ी थी उसी समय गुरुजी मुझे अगले दिन मेरे को ड्रीम में गुरु नानक देव जी आए, क्योंकि मैं बड़ी परेशान थी कि मैं गुरु गुरु कर रही हूँ और मैं वाहेगुरु करती हूँ, मेरे घर तो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, अब वाहेगुरु जी तो हो गए नाराज, ये कौन सा नया गुरु पकड़ लिया, अब गुरु जी के दरबार में जाके वाहेगुरु कर रही हूँ, गुरु जी से डर लग रहा था। तो गुरु जी ने मेरे को ड्रीम में वाहेगुरु जी को भेजा जो मेरे घर में स्वरूप लगाया बहुत पुराना गुरु नानक देव जी का, उन्होंने आके बोला, वॉल के ऊपर थे वो, एक दिन पहले मैं मंदिर में गई थी और समाधि के पास चल रही हूँ और मेरा हाथ कोई टच कर रहा है और मैं कह रही हूँ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, बहुत दुनिया है वहां पे, अचानक सब गायब हो जाते हैं और मेरा हाथ ये वाला किसी ने कस कैसे पकड़ा हुआ है। क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास गई थी ना तो उस दिन मैंने गुरुजी को एक ही बात कही थी, मैंने कहा मेरे तो कोई है ही नहीं, मैं तो अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, मेरे पापा गुरु नानक देव जी हमेशा कहती थी एक खूबसूरत सा मुझे भाई दे दो, एक चेहरा था गुरुजी का दिमाग में कि ऐसा मेरा वीर होना चाहिए, ये तो मेरी और उनकी बातें चल रही थी। और ड्रीम में आके मेरा हाथ ये गुरु नानक देव जी ने पकड़ा हुआ था और मुझे कहते हैं कि तू बड़ी परेशान थी ना, तेरे प्रश्नों के उत्तर आजकल मैं नहीं दे रहा, जा मैंने तेरा हाथ गुरुजी के हाथ में सौंप दिया, आज से वो तेरे वीर जी हैं, तू एक भाई मांगती थी मैं तेनू एक वीर देता। बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चलो ये तो गुरु नानक देव जी ने मुझे आके ब्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, भक्ति गुरु नानक देव जी की भी करती रही, लेकिन कहते हैं ना जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना तो हमारे हम एकदम दीवाने से हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, दीवानगी होती है, खींचती है हमें। लेकिन थोड़े टाइम तक गुरबानी से हट गई, मैं छोड़ दी, मैंने गुरबानी सुनना छोड़ दिया, गुरु जी के भजन नए नए आते वही सुनती रहती थी बस।
तो उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे गुरबानी से जोड़ा, दोबारा से सब कुछ कराना शुरू किया। इतना इतना इन्होंने प्यार दिया, इतना सारा इन्होंने मुझे लाड दिया, मेरे शरीर को, मेरे घर को, सबको ठीक किया। इतनी संगत आती है जो हमारे से रोजाना मिलते हैं, जिनके कैंसर ठीक कर रहे हैं गुरुजी। कितना, मैं बहुत सत्संग है कभी सुनाऊंगी, यूट्यूब पे आप सुन सकते हो, बुलबुल आंटी सत्संग। कोविड में लास्ट ईयर थी, ठीक किया, मेरे को कभी कोविड नहीं होने दिया, पूरे सबको हुआ घर में कोविड, पर बचा के रखा गुरुजी ने। कैसे कैसे इन्होंने ठीक किया, फिर कभी मौका मिलेगा जरूर सुनाएंगे। और गुरुजी के लिए मैं बहुत गाने गाती हूँ, भक्ति के भी गाती हूँ, पिक्चरों के भी गाती हूँ। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको पता है हम गुरुजी के लिए जितने मर्जी सॉन्ग सुनाएं, गुरुजी भी हमारे लिए सॉन्ग जरूर सुनाते हैं, मेरे लिए सुनाते हैं। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ या मैं रोती हूँ, दो लाइन आपको मैं सुनाती हूँ, इजाजत है? बस दो लाइन। गुरुजी मुझे कहते हैं, तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूं तेरे क्यों भूल जाता है। जब आंख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, तेरे आंसू का कतरा मेरी आंख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। जय गुरु जी, इतना सुंदर गुरु परिवार दिया है, तो बस मेरे परिवार की रखना सदा तुम लाज गुरु जी, कि तेरे चरणों में है मेरा परिवार गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी।